बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं बालाकोट। इस वक्त मैं मानसारा इंटरचेंज से चला हूँ और हज़ारा मोटरवे पे हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हज़ारा मोटरवे पे तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब हमें जाना पड़ता है। उसके बाद एक ना छोटा सा राइट साइड पे आता कस्बा, उसके अंदर से एक रोड जाती है जो कि न्यू बालाकोट सिटी के अंदर से होके ना, तो पहले वाली जो मानसहरा से बालाकोट वाली रोड है ना, उसको जाके मिल जाती है। जैसा कि पहले आपको पता होगा कि वो मानसहरा और एबटाबाद वगैरह से होके हमें जाना पड़ता था, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। अब मोटरवे की वजह से जो है ना, वो काफ़ी टाइम की तो बचत है। वो कुछ थोड़ा सा पीस है जो आगे हम देखेंगे कि वो 10 किलोमीटर के करीब है, जहाँ वो बालाकोट सिटी के अंदर से गुजरना पड़ता है हमें, और फिर अगले कोई अगर रोड आ जाती है। अब मोटरवे की वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है, टाइम की भी बचत है, सफ़र भी एक आप ट्रैवल तो करना ही है आपने, और उसके साथ देख रहे हैं कि आप एक इन्जॉयमेंट है। बहुत खूबसूरत ये मोटरवे है, मतलब बोर नहीं होता बिल्कुल भी। ये बालाकोट का इलाका शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक अपनी एक ड्यूटी शुरू हो गई है, बलखाती हुई सड़क है। तो ये बहुत पुरानी है लेकिन बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन नहायत ध्यान के साथ यहाँ ड्राइव करनी पड़ती है क्योंकि ज़िगज़ैग यहाँ बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाने का असूल यह है कि हमेशा आप अपनी साइड मत छोड़ें, आप अपनी साइड पर रहें तो इंशाल्लाह ताला कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे रोड आपको सामने खाली नज़र आ रही है या जैसे भी है या नहीं भी नज़र आ रही, लेकिन आपने अपनी साइड पे रहना। ये हम बालाकोट के करीब पहुंचने वाले हैं, तकरीबन यहाँ से 12-13 किलोमीटर के करीब अब एरिया है। पता है कि ज़िला मानसहरा का ही तहसील है ये बालाकोट, और जैसा कि मैंने हेडिंग में भी लिखा है कि बालाकोट जो है नॉर्थन एरिया का गेट वे है। आपने आगे चाहे नारान जाना हो या बाबूसर जाना हो या गर्मियों के दिनों में गिलगित या आगे हुंदा वगैरह भी जाना हो, तो नॉर्मली यहीं से ही गुजर के आपको जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी बालाकोट की बड़ी एक अहमियत है और इसकी अपनी एक खूबसूरती भी है। वैसे भी ये एक तारीखी शहर है और इसको तो वैसे भी एक इंटरनेशनली बड़ी मतलब तवज्जो का मरकज रहा है,
बालाकोट 2019 वाला जो इंडिया के साथ हुआ था इंसिडेंट, उसमें उस मामले में भी। उससे अलावा 2005 में बड़ा शदीद तरीन जलजला आया था बालाकोट में, बालाकोट शहर तकरीबन ख़त्म हो गया था, और उसी की वजह से फिर गवर्नमेंट ने इनके लिए जो है न्यू बालाकोट सिटी के नाम से एक दूसरा शहर आबाद किया। वो तो नहीं हो सका, लेकिन ये वही दोबारा जो है ना, वही वाला सिटी जो है जो पहले जहाँ पे था, वही वाला फिर दोबारा से एक कहते हैं कि आबाद हो गया। इसकी हिस्ट्री तो बड़ी खैर पुरानी है, उससे पहले 1834 में भी सुना है कि वहाँ पर बड़ा शदीद तरीन जलजला आया था, और उस वक्त भी सारा शहर ख़त्म हो गया था। और सैयद अहमद शहीद है जो 19वीं सदी के अवाइल के जो बरसगीर पाकिस्तान इस्लामी तहरीक के बड़े अहम किरदार हैं, जिनका मजार भी इस वक्त अभी बालाकोट के जो है मेन सिटी की बैक साइड पे जो है ना, अंदर दरमियान में आ जाता है तकरीबन एरिया, वो जहाँ कब्रस्तान है वहाँ पे है, मैं वहाँ पे भी गया हुआ हूँ। तो उन्होंने इस शहर को फिर नए सिरे से फिर दोबारा आबाद किया था। ये हम इस वक्त बालाकोट शहर में पहुँच गए हैं। उसका जो मेन जो है वो रोड जो बालाकोट शहर है वो ये एंट्रेंस है। पहले तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ज़ाहिर है आबादी भी बहुत हो गई है, हर तरह दूसरों शहरों की तरह ये शहर भी अब पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। दरिया चूँकि शहर के दरमियान में से गुजरता है, काफ़ी आबादी दोनों तरफ ही है, तो ये बड़ा पुराना ब्रिज है, इसी को दोबारा दोबारा रेनोवेट करके इस्तेमाल में मिलाते हैं मकामी लोग जो है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट तो दोनों को आपस में मिलाता है। तो वैसे बाइक वगैरह पे या पैदल वाले इधर से जाते हैं, और बड़ी ट्रैफिक इस ब्रिज से गुजरती हैवी ट्रैफिक, हर तरह की जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ये ब्रिज इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है यहाँ की, सबसे मेन जो मस्जिद है जामे मस्जिद, वो बालाकोट शहर की हुई ये वाली मस्जिद है, और ये उसका एक ओवर व्यू है। आप देख रहे हैं आगे दाएँ और बाएँ दोनों तरफ ही शहर की ना पूरी आबादी है। ये इस होटल में मैंने स्टे किया है, उसमें ये उस एक पर्शियन कैट थी, तो बड़ी प्यारी है मुझे अच्छी लगी, होटल भी बड़ा मुनासिब मुझे मिल गया है। ये 2500 में मैंने लिया है ये रूम, यहाँ पे बिल्कुल नया बना है। तो चूंकि ब्रिज भी साथ ही है और दरिया भी सामने नज़र आ रहा है, तो बड़ी मुझे अच्छा लगा लुक, वरना नॉर्मली मैं दूर ज़रा हटके लेता हूँ, लेकिन ये दरिया के आपको पता हो कभी एक्सपीरियंस हो तो दरिया के पानी का जो शोर है ना, इसी आवाज़ बड़ा सुकून देती है मुझे। तो ये होटल काफ़ी पुराना वैसे तो, लेकिन ये अपर पोर्शन इन्होंने नया बनाया है अभी, तो नॉर्मली पहले तो 1000-1500 में कमरे मिल जाते थे, लेकिन जाहिर है फर्क आ गया, हर चीज़ के रेट इंक्रीज तो हुए हैं। ये मुझे 2500 में मिला, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको रूम भी दिखा दूँ, पर आएँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो खाना आप भाई से खाएं। ये है जी मेरा बालाकोट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो आता आसानी से पहुंच सके।